नमस्कार बच्चों, आज की हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास में हम प्रैक्टिकली डेटाबेस क्रिएट करके और टेबल्स क्रिएट करके अलग अलग फील्ड्स और किस तरह के डेटा टाइप्स हम सेट करते हैं, कैसे डेटा एंट्री करी जाती है, रिकॉर्ड्स इंसर्ट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, तो ये अब हम प्रैक्टिकली जानेंगे। काफ़ी कुछ चीज़ें हमने थ्योरेटिकली देख ली हैं, प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं जिससे कि हम प्रैक्टिकल्स में भी कर सकें और हमें कंसेप्ट जो है वो तभी क्लियर होगा जब हम प्रैक्टिकली खुद एक डेटाबेस क्रिएट करके टेबल्स क्रिएट करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर काम में लेंगे, ये कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप काम में ले सकते हैं और डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, और डेटाबेस के अंदर आप जो रेलेवेंट टेबल्स हैं, जो भी उस डेटाबेस, जैसे आपने स्कूल का एक डेटाबेस क्रिएट किया तो उसके अंदर आप स्टूडेंट रिलेटेड उसके फीस, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, मार्क्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये अलग अलग टेबल्स में हम इसको, इसका जो डेटा है वो स्टोर करेंगे, राइट। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, उस रिक्वायरमेंट के लिए आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। पहले से कोई डेटाबेस क्रिएट किया हुआ हो और उससे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती हो तो आप उसी में और टेबल्स क्रिएट करके आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, या हम कहें माई एसक्यूएल क्या है, ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, या बहुत अच्छे तरीके से अगर इसको हम समझना चाहें तो इसको हम बोलेंगे फ्री रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओपन एंड फ्री, मतलब ये फ्री डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और ओपन टू ऑल। ओपन का क्या मतलब है, ओपन सोर्स है ये, यानी कि इसको आपको किसी कंपनी से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनेट के ज़रिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे और काम में ले सकते हैं। कोई लाइसेंसिंग वाली प्रॉब्लम नहीं है कि आपको इसका कि जो कंपनी है उसी से आपको ख़रीदना पड़ेगा और तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आपने देखा एक्सेस जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, ये फ्री नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आपके पास है उस पैकेज के अंदर, जब आप उस पैकेज को ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको विभिन्न एप्लीकेशंस दिखाई देती हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। इसी तरह से डेटाबेस क्रिएट करने के लिए भी इसमें आपके पास आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एमएस एक्सेस जिसे हम बोलते हैं। तो ये भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके द्वारा आप डेटा संबंधित सारे कार्य कर सकते हैं। इसी तरह से माई एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, ये सब भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, एक लार्ज एप्लीकेशन अगर हमें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए चाहिए तो हम ओरेकल यूज़ कर सकते हैं। ओरेकल एक प्रॉपर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस के लिए ओरेकल को यूज़ किया जाता है। और इसी तरह से एसक्यूएल सर्वर है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, और जो जितनी भी बड़ी एप्लीकेशंस हैं उनके लिए एसक्यूएल सर्वर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और भी अलग अलग प्रकार के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं, लाइक IBM DB2, इन्फॉर्मिक्स, सीबेस, बहुत तरह तरह के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं, और तकरीबन सभी में ये जो फीचर्स हैं कुछ कुछ एक जैसे हैं कि आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे, एसक्यूएल यूज़ करेंगे। फ़र्क है तो थोड़ा बहुत इंटरफेस का, जैसे अगर आप MySQL यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मिलता है, आप उसके द्वारा सिंटेक्स सीख भी सकते हैं, अपने सिंटेक्स को चेक कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प करता है। तो अलग अलग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सभी में कुछ खूबियाँ कुछ कमियाँ, तो वो सब तो है ही। बाकी जैसे अगर हम यहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो हम MS Access यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर आप डेटाबेस क्रिएट करके टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं डेटा को। और बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस के लिए तो Oracle, SQL सर्वर, इस तरह की
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काम में लिए जाते हैं। यहाँ पर जैसे आजकल वेबसाइट्स काफ़ी बनने लगे हैं, तो वेबसाइट्स के लिए एक ओपन सोर्स RDBMS, जैसे कि हमने कहा MySQL काम में लिया जाता है, और इसके द्वारा आप अपनी वेबसाइट को एक डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे साइट पर जो भी कोई डेटा आए या यूज़र कुछ एक्सेस करे, तो वो उससे कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश की जा सकती है। और आजकल जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ज़्यादातर MySQL से कनेक्टेड होती हैं। एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम MySQL को यूज़ करती हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अपन इसमें सीखते हैं कि किस तरह से हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, प्राइमरी की डेटा कंस्ट्रेंट्स हमने पढ़े तो वो कैसे सेट करते हैं। MS Access हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और उसकी मदद से हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो MS Access ओपन करते हैं। इसके लिए हमें ओपन करना होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, राइट? ऑल प्रोग्राम्स में से हमने चुना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं वर्ड, एक्सेल, और इनके साथ साथ ही आपको यहाँ पर मिलता है MS Access, जिसकी मदद से आप क्रिएट कर सकते हैं। राइट, MS Access आपके पास होगा तो आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी मदद से भी आप बता सकते हैं कि आपको जो डेटाबेस यूज़ करना है, कौन सी टेबल आपको एक्सेस करनी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, लेकिन उसके अंदर एक्सेस नहीं है, तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक्सेस को पढ़ेंगे। इससे पहले हम और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम जान लेते हैं, और हम जानते हैं कि एसक्यूएल में तरह तरह से किस तरह से लिखी जाती हैं कमांड्स, उन कमांड्स को आज हम जान लेते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास MS Access अभी नहीं है, तो ये हम डलवा के आपको कल बताते हैं। और अभी हम बात करते हैं एसक्यूएल की, राइट? तो जैसा कि हमने पढ़ा था, एसक्यूएल थोड़ा बहुत हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एसक्यूएल दैट स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, राइट? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये एसक्यूएल जो है, इसको ये अलग अलग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ आता है, और आप उसको यूज़ कर सकते हो जिससे कि आप विभिन्न कमांड दे सको डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, टेबल्स क्रिएट करने के लिए, या आपको कोई कंस्ट्रेंट सेट करना है, या किसी भी तरह का आपको डेटाबेस हैंडलिंग करनी है, आप एसक्यूएल के द्वारा कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को हम तीन अलग अलग लैंग्वेजेस में डिवाइड करके देख सकते हैं। सबसे पहले DDL, क्या होती है DDL की फुल फॉर्म? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरी है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा डिफाइन करने के लिए जो लैंग्वेज काम में ली जाती है उसको हम बोलते हैं DDL, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और DML यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसके द्वारा आप डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, अपडेट करते हैं। और इसी तरह से एक होती है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के द्वारा आप डेटा को कंट्रोल करते हैं, डेटा पर जो परमिशंस हैं उनको आपको सेट करना है, और आपको विभिन्न तरह की परमिशंस जो हैं वो यूज़र से लेनी है या देनी है, तो उसके लिए भी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज काम में ली जाती है। इन अलग अलग के अंदर पहले हम इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं, आप भी नोट कर लीजिए। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज।
DML data manipulation language, or DCL stands for data control language. यहाँ पर DDL के अंदर जो statements आती हैं वो हैं create, alter, drop. ये data definition languages हैं, create, alter, drop, जिनके द्वारा आप डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं डेटा की डेफिनेशन को. ऑल्टर कमांड जो है वो किस काम में आती है, डेटा की डेफिनेशन को ऑल्टर करने के. और ड्रॉप, अगर आपको डेटा की डेफिनेशन रिमूव करनी है तो उसके लिए आप ड्रॉप कमांड काम में ले सकते हैं, राइट. तो ये कुछ कमांड्स हैं जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आती है. अगर हम DML की बात करें तो इसमें आती है इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट. इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये कमांड्स हैं जो DML कमांड्स हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड्स हैं. इंसर्ट, इंसर्ट के द्वारा आप इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर डेटा. अपडेट के द्वारा आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं. और डिलीट के द्वारा डेटा को डिलीट किया जा सकता है. तो डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं हम DML के द्वारा. तो ये सारी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हैं. और इसके साथ साथ ही सेलेक्ट, सेलेक्ट जो है वो भी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है. आप डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं और सेलेक्ट करके आप उसको अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ग्रांट, रिवोक, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिनके द्वारा आप डेटा को कंट्रोल करते हैं. राइट. तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स हैं ग्रांट एंड रिवोक. क्लियर है सभी को ये? तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को हम तीन तरह की लैंग्वेज में विभाजित करके देख सकते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. इनकी फुल फॉर्म सभी को क्लियर है. डेटा डेफिनेशन, डेटा डिफाइन करने के लिए जो लैंग्वेज काम में ली जाती है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जिसके द्वारा आप डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जिसके द्वारा आप डेटा को कंट्रोल करते हैं. चलिए एक एक को इनको ध्यान से देखते हैं. तो DDL के अंदर हम कौन सी स्टेटमेंट्स यूज करेंगे, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप. इसी प्रकार से जब हम DML पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट. डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जिसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, राइट. तो इसके अंदर आती हैं परमिशंस ग्रांट करने के लिए ग्रांट कमांड, और परमिशंस वापस लेने के लिए रिवोक कमांड, राइट. तो चलिए एक एक का हम सिंटैक्स देखते हैं. सबसे पहले क्रिएट की हम बात करते हैं. अगर हमें डेटा डिफाइन करना है, क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे. क्रिएट करने के लिए जो सिंटैक्स है क्रिएट डेटाबेस, ये जितनी भी
हमने पढ़ी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो विभिन्न प्रकार के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें अगर आपको कोई इंटरफेस मिलता है तो उस इंटरफेस के द्वारा आप काम कर सकते हैं, नहीं तो आप एसक्यूएल के द्वारा सारा जो भी कार्य है डेटा संबंधित वो सब एसक्यूएल के द्वारा कर सकते हैं। तो दो ऑप्शंस होते हैं सभी डेटाबेसेस में, कि या तो आप इंटरफेस के द्वारा काम करें या फिर आप कमांड्स, एसक्यूएल कमांड्स लिख के आपको जो भी कुछ करना है, डेटाबेस क्रिएट, टेबल अपडेट, जो भी कुछ, वो सब आप कर सकते हैं कमांड्स के द्वारा, राइट। तो ये कमांड्स आना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकली भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं डेटा को क्रिएट, और अगर हम चाहें तो इंटरफेस के द्वारा भी कर सकते हैं, राइट। जब हम किसी एप्लीकेशन के द्वारा डेटाबेस को एक्सेस करते हैं तब फिर हमें ये कमांड्स आनी चाहिए, क्योंकि अगर एप्लीकेशन के द्वारा आप कर रहे हैं, मान लीजिए मैं कोई वेबसाइट बना रही हूँ, राइट, आप लोगों ने अभी वेबसाइट बनाना भी सीखा, वेबसाइट बनाते हैं हम, और उस वेबसाइट के द्वारा हम क्या करते हैं, डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट करते हैं, हमें डेटाबेस हैंडलिंग करनी पड़ेगी। तो वो हैंडलिंग हम कैसे करेंगे, जैसे हम अपनी जो कोडिंग लिखते हैं एचटीएमएल फाइल में, उसमें हम कैसे लिखेंगे कि भाई एक टेबल क्रिएट कर दो, या टेबल में मान लीजिए हम चाहते हैं यूज़र जो भी अपनी डिटेल्स दे रहा है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाए, वो डेटाबेस में कैसे स्टोर होगी, उसके लिए इंसर्ट कमांड लिखनी पड़ेगी। तो आपको एसक्यूएल की यह कमांड आनी चाहिए, तभी आप उसको लिख सकते हैं, राइट। तो क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, हर एक एसक्यूएल स्टेटमेंट एक सेमीकॉलन से खत्म होगी, राइट। इस तरह से डेटाबेस क्रिएट करा जाता है, और इसी प्रकार से टेबल अगर हमें क्रिएट करनी हो तो क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। टेबल क्रिएट करते वक्त हमें, ये तो सिंपल हमने एक टेबल क्रिएट कर दी, लेकिन टेबल के अंदर क्या क्या होगा, टेबल के अंदर अलग अलग फील्ड्स होती हैं, अलग अलग कॉलम्स होते हैं, और उन कॉलम्स पे हम अलग अलग कंस्ट्रेंट्स भी अप्लाई करते हैं, तो वो कैसे करेंगे। चलिए यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से आने के बाद इसे जानेंगे।
बाद अब हम जानते हैं विभिन्न स्टेटमेंट्स को, क्रिएट स्टेटमेंट है या जो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं मैनिपुलेट करने के लिए डेटा को, उनके क्या सिंटैक्स हैं, विथ एग्जांपल्स उनको देखते हैं, समझते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा डेटाबेस क्रिएट करने के लिए इस तरह से लिखते हैं हम, टेबल भी इस प्रकार से क्रिएट करी जा सकती है। लेकिन टेबल क्रिएट करते वक्त हमें बताना पड़ेगा कि इस टेबल में कौन कौन सी फील्ड होनी चाहिए और उनका टाइप क्या होना चाहिए, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ सेमी कॉलन ना लगाएं, टेबल का नाम दिया, उसके बाद आप लगाइए राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट्स के बीच में, राउंड ब्रैकेट्स के एंड में हम सेमी कॉलन दे देंगे, और राउंड ब्रैकेट के बीच में हम बताएंगे अलग अलग फील्ड्स और उनका टाइप, और अगर हमें इस पे कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है तो वो भी बताएंगे। कैसे लिखेंगे? लेट्स से हमें यहाँ पे सबसे पहले देना है स्टूडेंट का रोल नंबर, तो हमने यहाँ पे दिया स्टूडेंट रोल नंबर। अब इसे आपको नंबर रखना है या क्या रखना है वो चीज़ आपको स्पेसिफाई करनी होगी। अगर आपको डेटा टाइप इसमें रखनी है नंबर, तो आप नंबर ले लेंगे। इसी तरह से मान लीजिए आप स्टूडेंट का नाम दे रहे हैं तो नेम, नेम स्टोर करने के लिए यानी कि अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर स्टोर करने के लिए आप टेक्स्ट स्ट्रिंग आपको करनी है स्टोर, तो आप वेर कैर ले सकते हैं, वेर कैर ले सकते हैं, टेक्स्ट ले सकते हैं। वेर कैर आप लेंगे तो जैसे जो भी साइज आप स्पेसिफाई करते हैं उतना, जैसे आपने जितना यूज़ किया उतना ही इस्तेमाल होगा, उतनी ही मेमोरी लगेगी वेर कैर में। टेक्स्ट में क्या होता है, आपने कहा कि भाई 50 कैरेक्टर्स, अब नाम अगर 10 कैरेक्टर का ही है तो ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई होगी क्योंकि कॉन्स्टेंट आपने दे दिया। वेर कैर में क्या होता है, वेर कैर डेटा टाइप अगर आप लेंगे तो जितना आप यूज़ करेंगे उतनी ही मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, ऐसा नहीं कि मेमोरी पहले से बड़ी सारी ऑक्यूपाई हो गई और आप यूज़ कम कर रहे हैं, तो बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन जो है वो वेर कैर सही है। अगर आपको लॉन्ग टेक्स्ट वगैरह स्टोर करना है, जैसे नाम स्टोर करने के लिए भी या एड्रेस स्टोर करने के लिए भी हम वेर कैर ले सकते हैं। वेर कैर में आप बताएंगे कि आपको कितने कैरेक्टर्स लॉन्ग इसमें चाहिए, तो इस तरह से आप कॉमा से सेपरेट करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉमा से सेपरेट करते हुए सारी फील्ड्स आप लेंगे। मान लीजिए आपको परसेंटेज स्टोर करनी है तो परसेंटेज आप ले सकते हैं, राइट? इसका डेटा टाइप आपको क्या रखना है वो चीज़ आप स्पेसिफाई करेंगे इस तरह से। अब मान लीजिए रोल नंबर पर आपको प्राइमरी की अप्लाई करनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने लिखा है नंबर, यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर दीजिए प्राइमरी की इस कॉलम के आगे, तो क्या होगा, आपने रोल नंबर पे प्राइमरी की डाल दी, प्राइमरी की आपने डाल दी है अर्थात अब इसका जो डेटा है वो यूनिक रहेगा और नॉट नल रहेगा। तो इस तरह से कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जब टेबल क्रिएट कर रहे हैं, और बाय चांस आपने टेबल क्रिएट कर दी लेकिन आप कंस्ट्रेंट अप्लाई करना भूल गए या कुछ और गलती आपसे हो गई है, तो बाद में भी वह मिस्टेक सही हो सकती है, बाद में भी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किए जा सकते हैं, और बाद में अगर आपको ये काम करना है तो आप कौन सी स्टेटमेंट काम में लेंगे, ऑल्टर। ऑल्टर के द्वारा आप बता सकते हैं कि आपको डेटा की जो डेफिनेशन है उसमें क्या ऑल्ट्रेशंस करने हैं, राइट? चलिए, तो ये क्रिएट स्टेटमेंट हमने देख ली, ऑल्टर अगर हम करते हैं तो कैसे लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम और जो भी आपको इसमें करना है, जैसे आपको कोई कॉलम मॉडिफाई करना है, मान लीजिए मॉडिफाई करना है आपको नेम, तो मॉडिफाई क्या मॉडिफाई करना है आपको, कॉलम, कॉलम, कॉलम का नाम, कॉलम का नाम है नेम, राइट? अब इसमें आपको मान लीजिए इसका साइज हमने दिया 20 या आपको 25 करना है, तो इस तरह से आप लिखेंगे ये कमांड, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई कॉलम नेम वेर कैर। यहां पे हमने मॉडिफाई कीवर्ड इस्तेमाल किया है, अगर मान लीजिए आपको कोई कॉलम ही ऐड करना हो टेबल में तो आप मॉडिफाई कीवर्ड की जगह कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, ऐड। ये दो कीवर्ड्स हैं जो ऑल्टर टेबल के साथ यूज होते हैं। तो ऑल्टर क्या कर रहे हैं हम,
टेबल का डेटा ऑल्टर नहीं कर रहे हैं, हम टेबल की डेफिनेशन ऑल्टर कर रहे हैं। पहले टेबल में जो कॉलम था उसका साइज हमने चेंज किया, या मान लीजिए हमने उसमें कोई कॉलम ऐड कर दिया। मेरी जो टेबल बनी है उसमें तीन कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम एंड परसेंटेज। मुझे एक और कॉलम डालना है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम का नाम और उसका साइज जो भी आपको ऐड करना है। तो मॉडिफाई कीवर्ड के द्वारा एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई किया जाता है, और अगर आप ऐड कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे तो आप ऐड कर सकते हैं एक नया कॉलम। राइट, तो डेटा डेफिनेशन आपने दे दी, लेकिन डेटा डेफिनेशन बाद में भी ऑल्टर करी जा सकती है ऑल्टर कमांड के द्वारा। तो ये क्रिएट हमने करी टेबल, उसके बाद हमने ऑल्टर करी। और मान लीजिए कभी भी आपको टेबल कोई आपकी काम में नहीं आ रही है, तो वाई टू वेस्ट मेमोरी आप उस को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कभी कोई काम नहीं आएगी तो आप टेबल को डिलीट कर सकते हैं। टेबल को डिलीट करने के लिए, डेटाबेस को डिलीट करने के लिए परमानेंटली कौन सी स्टेटमेंट काम में ली जाती है, ड्रॉप। ड्रॉप, ड्रॉप डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड है ड्रॉप, और इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, डेटा की डेफिनेशन को ड्रॉप कर सकते हैं, कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ड्रॉप, ड्रॉप के साथ डेटाबेस डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप डिलीट कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर टेबल। तो ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। इसी तरह से अगर आपको टेबल डिलीट करनी है, ड्रॉप करनी है, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। तो इस तरह से डेफिनेशन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसकी डेफिनेशन को खत्म किया जा सकता है ड्रॉप कमांड की मदद से। राइट, बच्चों यहीं पर ऑल्टर टेबल में एक चीज और बताना चाहूंगी कि जैसे मॉडिफाई हमने किया एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करने के लिए, नए कॉलम को ऐड करने के लिए ऐड, और इसी तरह से डिलीट, सॉरी ड्रॉप कीवर्ड जो है वो भी आप यूज कर सकते हैं। कोई कॉलम आपको हटाना हो, टेबल तो बनी हुई है, टेबल में से कॉलम को हटाना है, तो आप क्या लिखेंगे, ऐड की जगह आप लिखेंगे ड्रॉप, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम। तो कॉलम को डिलीट किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, और आप डेटाबेस को भी डिलीट कर सकते हो परमानेंटली, टेबल को भी डिलीट कर सकते हो, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। अब कई की बार ये होता है कि अगर आपको जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसने ड्रॉप की परमिशन नहीं दी हुई, तो फिर आप ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ड्रॉप की अगर आपको परमिशन मिलती है, आप किसी भी चीज़ को ड्रॉप ना कर दें आपने, क्योंकि इसके द्वारा डेटा की जो डेफिनेशन है उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो परमिशंस आपके पास होनी चाहिए। तो फिर आप डेटाबेस, टेबल्स, जो भी चीज़ आपको ड्रॉप करनी है, हटानी है, उसको आप हटा सकते हैं। राइट, तो ये सारी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड्स हैं, इनके द्वारा डेटा डिफाइन किया जा सकता है और साथ ही साथ हटाया भी जा सकता है डेटा की डेफिनेशन। तो चलिए अब हम चलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की ओर। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की जो कमांड्स हैं उनके द्वारा आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्टेड डेटा को रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या फिर सेलेक्ट स्टेटमेंट के द्वारा आप डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले इफ यू वॉन्ट टू इंसर्ट अ रो, यू हैव टू यूज इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड यूज करेंगे रो इंसर्ट करने के लिए। अब इसका सिंटेक्स समझ लीजिए, दो प्रकार से इंसर्ट स्टेटमेंट को काम में लिया जा सकता है। हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि हमारे टेबल में तीन कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम एंड परसेंटेज। ठीक है, अब इसी टेबल के लिए हम इंसर्ट करें तो हम क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, और राउंड ब्रैकेट में हम बताएंगे वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा, और लास्ट में सेमी कॉलन। इस तरह से
फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा इंसर्ट इनटू, हमने स्टूडेंट टेबल बनाई थी, तो स्टूडेंट वैल्यूज सबसे पहले क्या है टेबल में, रोल नंबर, उसके बाद नेम। तो नेम जो है उसको आपको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में देना होगा। परसेंटेज, ये देखिए इस तरह से जब ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एक रो इंसर्ट हो जाएगी हमारे टेबल में। टेबल का नाम हमने यहाँ स्पेसिफाई किया, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, क्या वैल्यूज इंसर्ट करनी है, रोल नंबर 10, उसका नाम है अनु और परसेंटेज है 79.2। अब एक तो ये तरीका है इंसर्ट करने का, इसमें इंसर्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ता है आपको सभी फील्ड्स के लिए वैल्यूज देनी ही देनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप नाम ना दें या अभी आपको परसेंटेज नहीं पता तो आप परसेंटेज छोड़ दें। इस तरह से ये वाला सिंटेक्स फॉलो करते हैं, तो पहला जो पहला कॉलम कौन सा है, रोल नंबर, तो पहले आप रोल नंबर बताएंगे। दूसरा कॉलम कौन सा है, नाम, तो आप नाम बताएंगे कॉमा के बाद, फिर कॉमा के बाद परसेंटेज बताएंगे क्योंकि तीसरा कॉलम परसेंटेज का है। तो इस तरह से सभी कॉलम्स के लिए आपको सीक्वेंस में वैल्यूज देनी होती हैं। लेकिन अगर ये सीक्वेंसिंग आपकी नहीं फॉलो हो पा रही, मान लीजिए अभी मुझे परसेंटेज नहीं पता, या पहले मुझे उसका नाम लिखना है फिर रोल नंबर लिखना है, यानी सीक्वेंसिंग आपको चेंज करनी है, तो फिर दूसरा सिंटेक्स है उसे आप काम में लेंगे। कैसे लिखते हैं दूसरे सिंटेक्स को, इसको लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम और यहाँ पर बताते हैं राउंड ब्रैकेट्स के अंदर फील्ड्स का नाम। जैसे मुझे केवल रोल नंबर और नाम देना है तो मैं केवल यहाँ पे लिख दूंगी रोल नंबर कॉमा नेम, उसके बाद लिखूंगी वैल्यूज और फिर राउंड ब्रैकेट्स में इस तरह से। मान लीजिए मुझे परसेंटेज नहीं देनी थी तो फिर आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी वैल्यूज आप देना चाहते हैं। आप रोल नंबर के लिए और नेम के लिए वैल्यू देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आप तीनों के लिए देना चाहते हैं लेकिन ऑर्डरिंग सीक्वेंसिंग आप चेंज करना चाहते हैं तो वो सीक्वेंस आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे आप लिख दीजिए नेम परसेंटेज रोल नंबर, नेम कॉमा परसेंटेज कॉमा रोल नंबर, फिर आप उस सीक्वेंस में डाल सकते हैं, राइट। तो कभी भी आपको ऑर्डरिंग चेंज करनी है या कोई वैल्यू डालनी है नहीं डालनी, तो इस तरह ये वाला जो सिंटेक्स है इसको आप काम में ले सकते हैं। यहाँ पर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, टेबल का नाम आ गया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स राउंड ब्रैकेट्स में फील्ड क्या स्पेसिफाई करेंगे, वैल्यूज लगा के उसके जो यहाँ पे सीक्वेंसिंग है उसके हिसाब से हमें वैल्यूज देनी होगी। इस तरह से आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, जितनी भी रोज आप चाहें आप इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट स्टेटमेंट के द्वारा, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट के द्वारा आप वो डेटा रिट्रीव कर सकते हैं अपनी टेबल में से जो टेबल में इंसर्टेड है। इसका सिंटेक्स है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। ऐसा लिखने पे टेबल के अंदर जितनी भी रोज हैं वो आपके सामने आ जाएंगी, आप डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को पढ़ सकते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के द्वारा, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स इंसर्टेड हैं सब एक एक करके आपके सामने आ जाएंगे, आप वो सारे रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, राइट। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट के द्वारा आप डेटा पर क्वेरी कर रहे हैं, आप सेलेक्टेड डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। अभी तो हमने क्या करा है, सारी रोज हमने शो करी है। अगर हम चाहें तो कुछ रोज हमें चाहिए या कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स हमें देखने हैं तो सेलेक्ट को और वेरिएशन से लिखा जा सकता है।
जैसे यहां पर एक उदाहरण देखते हैं, हमने लिखा सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर परसेंटेज मोर देन इक्वल्स टू 60। इस स्टेटमेंट के द्वारा क्या होगा, यहां हमने वेयर क्लॉज लगाया है, वेयर के बाद आप कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कंडीशन हमने दी परसेंटेज मोर देन इक्वल्स टू 60, तो अब हम केवल वही रोज रिट्रीव करेंगे जिनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और यहां पर हमने केवल रोल नंबर लिखा है, हमने एस्ट्रिक नहीं लगाया। एस्ट्रिक का मतलब होता है सारी फील्ड्स डिस्प्ले करना, और अगर आपको केवल कुछ पर्टिकुलर फील्ड ही देखनी है तो आप उनका सेपरेटेड बाय कॉमा नाम लिख सकते हैं। तो जैसे हमने लिखा सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट, जिन रिकॉर्ड्स की परसेंटेज मोर देन इक्वल टू 60 होगी उनके रोल नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे, राइट? तो बच्चों आज हमने डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड्स देखी, डेटा मैनिपुलेट करने की स्टेटमेंट्स देखी, अभी और डेटा मैनिपुलेशन के लिए जो कमांड्स हैं वो भी आपको बताएंगे हम। आज समय पूरा हो गया है, MS Access भी हम सीखेंगे जिसे कि हम प्रैक्टिकली करके देख सकें कि किस तरह से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। एक इंटरफेस के माध्यम से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे कि आपने देखा SQL कमांड्स के द्वारा भी ये सब कार्य किए जा सकते हैं।